सो हे गाइस, दिस इज कैप्टन एंड वेलकम टू कैरोलिन्स ओडिसी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कल्याणी में एक बुक का जो फेयर आया है वहाँ पे, और उसके बाद हम जाने वाले हैं हालीशहर में एक कैफे है वहाँ पे। ओके, सो ये वीडियो देखते रहो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो जो हमारा आज का जो एडवेंचर शुरू हुआ वो बिपिन बिहारी गांगुली पार्क से शुरू हुआ, जो है हमारे हालीशहर में है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, ये काशीपाड़ा के पास में ही है। तो ये बिपिन बिहारी गांगुली पार्क जो है वो थोड़ा सा छोटा है पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी राइड्स है, तो और सामने यहाँ पे गंगा भी है और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। और ये शाम तक मतलब बहुत ही फ्री भी थी क्योंकि बहुत कम लोग आए थे उस टाइम। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप जाना चाहो तो ज़रूर जाओ। तो इसी पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगी कि हालीशहर में और क्या क्या है, तो आप इसे अच्छे से आप देख लो और उसके बाद ऐसे ही देख के आप जा सकते हो। तो हम भी यहाँ पे गए, यहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर था जो बहुत ही अच्छा दिखने में है। तो अंदर नहीं गए क्योंकि बंद था, तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। तो आप देख ही सकते हो कि हालीशहर एक दिन के ट्रिप के लिए कितना अच्छा जगह है। ओके, तो सब जगह तो हम नहीं गए, तो यहाँ पे घाट था और उसके बाद हम जहाँ पे गए वहाँ पे ना ये एक पॉन्ड था, यहाँ पे एक कछुआ था और बहुत सारी मछलियाँ थी छोटी छोटी। तो आप इनको ना खाना नहीं दे सकते, तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे इन लोगों ने पिजिन्स भी रखे हुए थे, तो अंदर मैं वीडियो नहीं कर सकी क्योंकि अंदर वीडियो करना मना था, पर बाहर से भी ये बहुत ही अच्छी थी। तो अगर यहाँ के लोग ना शाम को बहुत ही मज़ा करते होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल एक आपको परिवेश मिलता है यहाँ पे, तो सच में बहुत ही अच्छी जगह थी। आप आओ तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरी है, तो यहाँ पे जो साधु थे तो उन्होंने काली की जो मूर्ति थी उनको उसके साथ ही वो मतलब पानी में चले गए थे। तो उसके बाद हम गए सहज पाठ, मतलब आपने थंबनेल लिख के तो पता चल ही गया होगा। तो इसी रेस्टोरेंट में, तो ये कैफ़े है रेस्टोरेंट नहीं, तो अंदर से बाहर से मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो ये था वो कैफ़े और यहाँ पे एक पार्किंग का जगह भी है, और यहाँ पे पूरा आपको ना एक बीच वाला फीलिंग आएगा कि आप कोई बीच में हो। तो यहाँ पे तीन मेनूज हैं, तो यहाँ पे मतलब आप चाइनीज़ या आप कोई भी ऐसे वाले कॉफ़ी ऐसे वाले मेनू ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे मलाई कॉफ़ी ली, उसके साथ हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और एक कोला लिया और मोमोज खाए। तो बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा था।
ये लोग यहाँ पे गाना गा रहे थे, तो इनका गाना इतना सुंदर था कि मैं मतलब खाना ही भूल गई थी। तो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये जो रात में ना, ये बहुत बढ़िया लगेगा, तो कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर आ सकते हो इस कैफ़े में। तो इसके बाद हम चले गए एक और आश्रम में। तो इस आश्रम में भी मतलब ये ना हाली शहर एक पीसफुल जगह मेरे को लगा, बहुत ही ज़्यादा शांति है हर एक जगह में। तो इसके बाद हम यहाँ पे रानी राशमनी के घाट में चले गए। तो यहाँ पे ना एक फुचका का जगह है, मतलब यहाँ पे ना गांव में पूरा फुचका ही बनता है, लाइक चिकन फुचका, मत पता नहीं कैसे कैसे टाइप्स के फुचके बनते हैं। तो मैं ज़रूर मतलब मैं खाई नहीं, पर ज़रूर एक दिन खाऊंगी। तो ये जगह यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे सब लोग फुचका बिक्री कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा जगह लगा मेरे को, आप ज़रूर आइयो। तो इसके बाद हम चले गए यहाँ पे कल्याणी के जो पोई मेला है वहाँ पे। तो यहाँ पे आज का टिकट 50 रुपये था। तो इसके बाद हम घर चले आए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।